आप बताओ क्या क्या पावर फैक्टर से मेंटेन बस कर। यही 1.0 आ रहा आपका। ठीक है 1.0 तो इंडक्टिव लोड है। हाँ इंडक्टिव भी चाहिए सर, कैपेसिटिव ले जाने का फायदा क्या है? नहीं तो लाइन कैपेसिटिव लेके जाएंगे हमारे लिए घाटा है। लाइन का जो लोड है ये अपने आप कैसे शो करेगा? लाइन पे जो लोड है आपका इशू कर रहा है ना यहाँ पे, ये तो इंडक्टर शो कर रहा है, ये 800 795 ये एम्पियर शो कर रहा है। हाँ एम्पियर शो कर रहा है पैनल पे। ठीक है हाँ। अब इसका पी एफ जो अभी मेंटेन है तो कैपेसिटिव लोड हो गया ना, इंडक्टर तो कैपेसिटिव कर रहा है, इंडक्टर ऊपर उस पर है। हाँ तो इंडक्टर ही है सर, ये बिहेव कर रहा है लाइक इंडक्टर है। हाँ इंडक्टर है, इंडक्टिव लोड होना चाहिए आपका। प्योर इंडक्टिव लोड कहाँ यहाँ पॉइंट में नहीं शो कर रहा है। हाँ, कॉस फाई की वैल्यू केवल 1 शो कर रहा है, तो कॉस फाई की वैल्यू शो कर रहा है 1.00, कॉस फाई में हम लेते हैं ना। ठीक है वो पी एफ हो गया, पावर फैक्टर हो गया। हाँ, बस वही है TSD1 टोटल अमाउंट विद डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन तो परसेंटेज में होता है। एक्चुअली ये ज्यादा चल रहा है 0.9 है। ठीक है और ये इंडक्टिव हमने 0.99 लोड आ रहा है, अब ये इंडक्टिव लोड आ रहा है 0.99, ये हमने सेट कर रखा है। ठीक है वो अचीव कर रहा है, ये अचीव कर रहा है 1.0, ये सेट कर रखा है हमने। ठीक है बस यही है सर। ठीक है तो पावर फैक्टर हमारा अभी 0.99 से 1 हमारा हो गया इंडक्टिव लोड पे, जैसे जाएगा 0.97 से नीचे जाएगा 0.97 पहुंचेगा अपने आप पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है ओके।